जय हिंद दोस्तों, टेक्निकल वेल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिग वेल्डिंग प्रोसीजर क्या है, कौन से गैस उसमें यूज होते हैं, कैसे होता है, वो आज हम आपको बताए हैं बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिग वेल्डिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग ऑल्सो नाउ एज ए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज GTAW इज एन आर वेल्डिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द वेल्ड विथ ए नॉन कंज्यूमर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इसको GTAW बोला जाता है। उसमें क्या लगता है, टिग वेल्डिंग एक एडवांस वेल्डिंग है। इसका भी प्रक्रिया देखा जाए तो आर्क वेल्डिंग के जैसा ही होता है, जिसमें वेल्डिंग के लिए बिना उपयोग नॉन कंज्यूमर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वायुमंडलीय प्रदूषण से संरक्षण के लिए इनर्ट गैस का यूज होता है, आर्गन या हेलियम। तो मान लीजिए हम लोग आर्गन में वेल्डिंग मारते हैं तो उसमें एयर नहीं आना चाहिए। एयर कहीं से भी आएगा तो हम लोग आर्गन वेल्डिंग अच्छा से नहीं मार सकते हैं, उसमें पोरोसिटी आने की बहुत चांसेस होती है। तो इसमें एयर कवर करके ही वेल्डिंग होता है, जो टिग वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग में भी गैस कितने प्रकार के, वेल्डिंग जो हम लोग यूज कर रहे हैं आर्गन में और जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं गैस वेल्डिंग, उसमें कौन सा गैस यूज कर रहे हैं, तो गैस कितने प्रकार के, तो गैस 6 प्रकार के होते हैं जो हमारे वेल्डिंग में यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये हमारे 6 गैस है जो हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। आर्गन और मिग जो भी मारते हैं, टिग मिग, उसमें हम लोग यही गैस को यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी अभी इसके बारे में हम बताएंगे कौन से गैस कौन से वेल्डिंग में ज्यादा यूज होता है। टिग वेल्डिंग कैसे मारा जाता है हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, आप मेरे स्क्रीन पर बने रहिए, हम आपको लाइव टिग वेल्डिंग करके दिखा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर आपको आर्गन वेल्डर बनना है, टिग वेल्डर बनना है, तो उसके लिए क्या है, आपको पहले पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप आर्गन टॉर्च लीजिए। देखिए यहाँ का क्या है, यहाँ का टॉर्च ये है आर्गन टॉर्च, अपना ये रखा हुआ है आर्गन टॉर्च, सेटिंग करेंगे। सेटिंग कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरे चैनल पे टेक्निकल वेल से। इसका सेटिंग करेंगे पहले, ठीक है दोस्तों। इसका सेटिंग करने के बाद आर्गन वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो कैसे सेटिंग करेंगे देखिए, ये इस मशीन का सेटअप है आर्गन के लिए। ये सेटअप है गैस पाइप उसमें लगा हुआ है पीछे से, बाकी ये सब सेटअप करना है। ये कूलिंग वाटर पाइप है, ये कूलिंग वाटर पाइप है जो हम लगा रहे हैं। तो सब सेटअप करके ये सेटअप हो गया है। अभी इसको करना क्या है आपको, ये सब रेडी हो गया। दोस्तों देखो हमने मशीन चालू किया, पावर आ गया है। और ये क्या है, इसमें अपना गैस पीछे से दिया हुआ है, इस मशीन में पीछे से गैस देंगे और ये पाइपलाइन यहाँ आया है गैस का, और ये आर्गन टॉर्च है, इससे हम वेल्डिंग मारेंगे, ठीक है। और ये सेटअप है इसका, अब ये मशीन रेडी है, हम जो मारना चाहेंगे पाइप को वेल्डिंग को मार सकते हैं। आर्गन का यूज करने के लिए ये अपना प्रोसीजर है, और पावर जितना आपको रूम मारना है इसमें 105 110 100 जितना आप मार सकते हो उतना रख सकते हो। रूट के लिए पैकिंग के लिए 140 130 यूज कर सकते हो पावर, ठीक है दोस्तों। ये दिखाएंगे हम, ठीक है, लाइव टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग हो रहा है, देखिए स्टार्ट हो गया है। मैं खुद करता हूँ, मैं भी एक वेल्डर हूँ, ये मैं इसको यूज करता हूँ बराबर। जो हम यूज जो वेल्डिंग के लिए हम यूज करेंगे, जहाँ आपको ये वेल्डिंग मारना है, एसएस मारना है तो इसमें क्या लगेगा, सीएस मारना है तो सीएस में तो सॉरी एक ही गैस लगेगा आर्गन से ही, और आपको मिग मारना है तो उसमें कौन सा गैस लगेगा, वो खुद हम लोग यूज करके उसको वेल्डिंग को पूरा करते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर बने रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे मेरे चैनल पर मिलेंगे टेक्निकल वेल्ड चैनल से, आपके माध्यम से आप अच्छा वेल्डर बनेंगे, और मैं आपको वेल्डर बनाऊंगा, और मैं आपको लाइव प्रूफ वेल्डिंग टिग वेल्डिंग जो दिखा रहा हूँ आप देखिए। धन्यवाद।